उम्मीद करता हूँ कि हाँ आप लोग ठीक होंगे। तो इसके बाद पर जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारी है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्सर पे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी सी रिकैप लेंगे हमेशा की तरह। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो हमारी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। तो उस केस में जो हमारी प्लेन इंक्लाइंड होती थी उसकी सरफेस कर्व नहीं होती थी बल्कि उसकी सरफेस प्लेन होती थी। तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में। ये सब टॉपिक हम लोग इससे पहले स्टडी कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में जो मैंने टॉपिक डील किया था वो थी हमारी प्रेशर पिन और प्रेशर डायग्राम। तो उसके अंदर भी हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को देखा था कि अगर हमारे पास अगर हमें प्रेशर पिन दिया गया है तो उस प्रेशर पिन की हेल्प से हम कैसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेशन कर सकते हैं या सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किया था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर, कर्व सरफेस के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस को हमें सेपरेटली क्यों पढ़ना पड़ रहा, प्लेन सरफेस के साथ ही हमने क्यों नहीं पढ़ा। तो उसका एक बेसिक सा एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डायरेक्शन वाइज को हम लोग इन सब डायग्राम से समझने वाले हैं। देखो जब तक हम लोगों ने प्लेन सरफेस में पढ़ा था तो उस केस में उस बॉडी पर जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था तो वो एक यूनी डायरेक्शन में लग रहा था। जैसे ये एरो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरह अब टू लास्ट यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन सबकी डायरेक्शन क्या है, एक सेम डायरेक्शन मतलब यूनी डायरेक्शन है। किसी भी एरो का क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक सेम डायरेक्शन में आ रहा है। जब क्या है, ये हमारी प्लेन इंक्लाइन है। लेकिन अगर हमारी प्लेन वर्टिकल होगी थी क्या उस केस में भी डायरेक्शन चेंज हो रही क्या, इसको भी अगर देखते हैं। देखो यहाँ पर भी ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर भी ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और यहाँ लास्ट में भी देखो कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मतलब सबके सब एक सेम डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स और प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इस केस में जो हमारी प्लेन वर्टिकल थी या इंक्लाइन थी, यहाँ पर प्रेशर की डायरेक्शन में या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एक यूनी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। साथ ही साथ अगर हमारी प्लेन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होती थी तो उस केस में भी देखो कि यहाँ पर ये एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखा रहा है और सारी की सारी एरो यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो ये एक यूनी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये तीनों क्या है, प्लेन सरफेस है, मतलब कर्व सरफेस नहीं है। तो प्लेन सरफेस में चाहे हमारी प्लेन इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रही थी वो एक यूनी डायरेक्शनल में एक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग इसको एक साथ यानी एक सेपरेट फॉर्म में पढ़ा कि प्लेन सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है, जो उसका प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोगों ने सेपरेट पढ़ा। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्व सरफेस के ऊपर। तो कर्व सरफेस में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट होती है। तो इसी वजह से हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व सरफेस को सेपरेटली स्टडी करते हैं, मतलब एक अलग तरीके से या एक अलग सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। अब इस वजह समझते हैं ऐसा कि यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हर एक पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में क्यों एक्ट हो रहा है, इसको जरा समझते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एलिमेंट्री बॉडी कंसीडर किया। इस एलिमेंट्री बॉडी पर हमने माना ये क्या है, ये वाला जो सरफेस है ये हमने एक सिलेंडर का पार्ट लिया है। कौन सा, वन फोर्थ पार्ट लिया है, फोर सिलेंडर लिया उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसका वन फोर्थ पार्ट को जो यहाँ पर मैंने दिखाया है डोडी फॉर्मेट में कर्व सरफेस को रिप्रेजेंट किया है और इसका सेंटर मैंने यहाँ पर ये सी से रिप्रेजेंट किया। इसकी रेडियस आर है, ये आर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी आर होगा। तो ये जो कर्व सरफेस है ना, सिलेंडर का जो पार्ट है, इसके ऊपर हमने एक ये एलिमेंट्री बॉडी कंसीडर किया। अब इस एलिमेंट्री बॉडी पर हमने क्या माना कि यहाँ पर कोई प्रेशर एक्ट हो रहा,
कोई सा भी प्रेशर या फोर्स हमने मान लिया कि एक्ट हो रहा है, और जो भी फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है उसको हमने मान लिया कि BFR है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन द एलिमेंट्री बॉडी BFR है, और उसकी एरिया क्या है यहाँ पर dA है। तो अब यहाँ से सेंटर से देखो, ये यहाँ पर ये इस तरह से एक्ट हो रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बना रहा है। एंगल बनाने के साथ साथ जब हम इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसको जब हम कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और यहाँ पर हमें वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड एक्ट हुआ मिलेगा। इसी को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये तो हो गया कि इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। यहाँ से हमने मान लिया किया कि ये थीटा वन पर एक्ट हो रहा। अगर मैंने क्या कंसिडर किया कि अगर मैं इस पॉइंट पर कंसिडर करूं, मैंने अब क्या ले लिया कि अब मैं इस पॉइंट पर क्या कर रहा हूँ कि एलिमेंट्री बॉडी को कंसीडर किया, तो यहाँ से क्या किया कि यहाँ पर अगर ये प्रेशर एक्ट हो रही है, तो इस केस में देखो कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर एक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर एक्ट हो रही थी इस डायरेक्शन में जा रही थी। दोनों का डायरेक्शन क्या है, ये थीटा टू एंगल से जा रही है, मैंने मान ली थीटा टू है, तो ये थीटा टू एंगल से जा रही है, जबकि ये थीटा वन एंगल से जा रही है, और दोनों की वैल्यू जो है थीटा वन एंड थीटा टू दोनों क्या है डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गई, ये चेंज हो गई। इसी वजह से हम लोग कर्व सरफेस को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग एक सेपरेटली या एक अलग फॉर्मेट में स्टडी करते हैं, किसके कंपैरिजन में, ऑन प्लेन सरफेस के कंपैरिजन में। प्लेन सरफेस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर एक यूनिडायरेक्शनल एक्ट होती है, लेकिन कर्व सरफेस में हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको अलग स्टडी करने वाले हैं। तो अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोग जो पैरामीटर्स प्लेन सरफेस पर कंसीडर किया था, सेम वही पैरामीटर यहाँ पर हमने कंसीडर किया। तो ये जो एक्स है ये दिखा रहा है कि जो हमारी सिलेंडर की जो सरफेस है अपर सरफेस, उसका फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो एक्स रिप्रेजेंट किया मैंने, और इस एलिमेंट्री बॉडी जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, इस एलिमेंट्री बॉडी की हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस एच से रिप्रेजेंट किया है, और इस एलिमेंट्री बॉडी का जो एरिया है हमने इसको ही डीएम। क्लियर हो गई चीजें, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या है सेंटर ऑफ द सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा। अब यहाँ पर ये क्या चीज, ये क्या बवाल चीज आ गई, इसको जरा समझते हैं। ये कोई बवाल चीज नहीं है एक्चुअली में, जब भी हम लोग कर्व सरफेस के ऊपर स्टडी करेंगे ना, तो उसमें जो हम लोग एरिया लेते हैं जो भी बॉडी हो, चाहे वो कर्व सरफेस इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया लेंगे। तो मान लो कि अगर कोई बंदा यहाँ पर है, अगर ये यहाँ से इस कर्व सरफेस को देखेगा, तो इसका जो एरिया आएगा, इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन जो एरिया आएगा, एक क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल क्यों मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ इसका फ्रंट व्यू, ये जो है ना सिर्फ फ्रंट व्यू दिखाया हूँ, ये वाला पूरा पार्ट ये फ्रंट व्यू दिखाया हूँ, और इसकी विड्थ भी तो होती होगी इनसाइड, तो इस विड्थ को मैंने यहाँ पर बी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इनसाइड व्यू यहाँ पर क्या है, ये विड्थ बी को रिप्रेजेंट किया, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो अब जब इसका वर्टिकल, इसका जब वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट होगी ये इसकी वर्टिकल हाइट कहलाएगी, और जो इनसाइड व्यू जिसका डेप्थ है ये बी कहलाएगी। तो वर्टिकल हाइट यहाँ पर क्या है, रेडियस के बराबर होगी, इसलिए इसका जो प्रोजेक्शन है एक रेक्टेंगल शेप में इसका प्रोजेक्शन व्यू मिला। तो इसका जो एरिया हम लोग लेंगे, जो रेक्टेंगल बॉडी की जो हम लोग एरिया फॉर्मूला कैलकुलेशन करते हैं, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई, ये सारी बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमें इसकी, यानी ये हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे जो हमारी कर्व सरफेस की जो कंडीशन है, जो प्रिंसिपल है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग जो देखते हैं कि अभी जो मैंने यहाँ पर जितनी बात है बोली, उसी को यहाँ पर कुछ लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया। अब देखते ही है क्या चीज। फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन सी दैट इन केस ऑफ प्लेन सरफेस, इन केस ऑफ प्लेन सरफेस the force due to the pressure is acting unidirectionally. क्या बोला गया, unidirectionally, मतलब जब भी हम लोग प्लेन सरफेस के ऊपर स्टडी करते हैं, उसके ऊपर जो भी फोर्स या प्रेशर जो एक्ट हो रही है वो क्या हो रही है, तो जो भी इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या है, unidirectional है, क्लियर है। जबकि हम लोग कर्व सरफेस के ऊपर स्टडी करेंगे, तो उस केस में जो यहाँ पर फोर्स एक्ट होगी वो एक मल्टी डायरेक्शनल फोर्स होगी, मतलब हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें हर एक पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको अलग
अलग से स्टडी करेंगे, और जब भी हमें फोर्स को कैलकुलेशन करनी होगी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिलेंगे और नेट नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन मिलेंगे, और दोनों का क्या करेंगे रिजल्टेंट निकाल देंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो एग्जैक्ट जो फोर्स एक्ट हो रही है उस बॉडी पर वो हमें दे देगी। क्लियर है चीजें? जैसे अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि डायरेक्ट एफ इक्वल टू एफ आर, मतलब उस बॉडी पर हमने क्या बनाया कि एफ आर फोर्स एक्ट हो रही है, तो अगर हम उस एलिमेंट्री बॉडी को डायरेक्ट हमने इससे पहले क्या पढ़ा प्लेन सरफेस में कि इंटीग्रेट कर देंगे उस बॉडी पर जो भी फोर्स एक्ट हो रही है, तो एक एलिमेंट्री बॉडी पर हमने क्या बनाया डी एफ आर फोर्स एक्ट हो रही है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। तो ये तभी वैलिड है जब हमारी सरफेस क्या होगी वो प्लेन होगी, लेकिन अगर हमारी सरफेस कर्व है तो उस केस में ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, उस केस में हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग से निकालनी पड़ेगी और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें नेट फोर्स देगा। क्लियर हो गई ये चीजें? तो ये बात है याद रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्री बॉडी है इसी को थोड़ा मैंने इनलार्ज फॉर्म में यहाँ पर दिखाया, और इसके ऊपर हमने क्या माना है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये एफ आर फोर्स एक्ट हो रहा है, जब इसका हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो मतलब एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा तो उसको मैंने डी एफ से दिखाया है, और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा जिसको मैंने डी एफ वी से दिखाया है, और ये एलिमेंट्री बॉडी का रिजोल्यूशन किया है, फोर्स रिजोल्यूशन यहाँ पर हुआ है। तो अगर हमें नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया डायरेक्शन को डायरेक्शन जो है एक सेपरेट कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया और वर्टिकल डायरेक्शन में कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगने वाली है कि भी डायरेक्शन होगी, तब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ ए, सिमिलरली नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वी। अब ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो हम लोग रिजल्टेंट रूल जो होता है उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ से ये एफ आर मतलब उस बॉडी के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है वो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एलिमेंट्री बॉडी के लिए कंपोनेंट रिजर्व किया गया है और ये हमारी कंप्लीट बॉडी के लिए कंपोनेंट रिजर्व किया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन करने से पहले यहाँ पर एक पैरामीटर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि उस बॉडी की विड्थ को हमने यहाँ पर क्या मान लिया है बी मान लिया है। अब यहाँ पर बी माना है तो अब हम क्या करेंगे कि पहले जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे, लेकिन इसको डेरिवेशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो फिगर दिया गया इसको जरा हमें समझना पड़ेगा। हमने क्या माना है कि हमारी एक एलिमेंट्री बॉडी है तो ये क्या ये एक इंक्लाइंड है, तो हॉरिजॉन्टल हमने माना कि ये थीटा एंगल से क्या है इंक्लाइंड है, तो इसका जब हम लोग प्रोजेक्शन व्यू लेंगे इस साइड से तो इसका हमें ये व्यू मिलेगा, और यहाँ से जब हम लोग इसको व्यू करेंगे तो इस केस में हमें क्या मिलेगा ये वाला व्यू मिलेगा। क्लियर है? ये हमारी वर्टिकल प्रोजेक्शन है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। तो जब हम लोग यहाँ पर जब फोर्स लग रहा है वो डी एफ आर है और इस एलिमेंट्री बॉडी का एरिया क्या है डी ए है, तो अगर एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसका कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल प्रोजेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा डी ए साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल का क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और जब हम लोग फोर्स का कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डी एफ आर साइन थीटा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डी एफ आर कॉस थीटा। अब ये डाउनवर्ड क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से रहा फ्लूइड की वजह लग रहा है, तो फ्लूइड यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो कॉम्प्रेसिव इन नेचर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये हमारी एफ आर की डायरेक्शन दिखाई दी गई है कॉम्प्रेसिव नेचर की दिखाई गई है ये, जिसकी वजह से जब हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल जो है टुवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो अब अगर इस एलिमेंट्री बॉडी का अगर हमें फोर्स निकालना है तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था फोर्स इक्वल टू रो जी वी, फोर्स इक्वल टू रो जी वी हमने पढ़ा था। इस केस में ये एलिमेंट्री बॉडी है तो बॉडी चाहे एलिमेंट्री हो या कंप्लीट बॉडी हो उसकी डेंसिटी क्या होगी सेम रहेगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर हाइट जो हमने कंसिडर किया एलिमेंट्री बॉडी का वो क्या कंसिडर किया है एच लिया है फ्रॉम दी फ्री सरफेस, और उस एलिमेंट्री बॉडी का एरिया हमने क्या कंसिडर किया था डी ए। क्लियर है? अब एच डी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो जी वी हो गया। अब यहाँ पर जो हमें मिल रहा है रो जी एच ये प्रेशर का फॉर्मूला है इसलिए डी एफ आर इक्वल टू पी डी ए, ये यहाँ पर ये रिलेशन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी डायग्राम को लेकर के हम लोग अपनी जो डेरिवेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या हमारा नेट फोर्स एफ एच है, इंटीग्रेशन किया ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम डी एफ एच इक्वल टू, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ आर साइन थीटा। अब ये डी एफ आर साइन थीटा कहाँ से है ये देखो जरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं तो डी एफ एच इक्वल टू हाउ मच, डी एफ आर साइन थीटा, उसको यहाँ पर पुट इन किया। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो डी एफ आर है इसकी वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर पुट इन करेंगे, और डी एफ आर की वैल्यू कहाँ से लिया ये यहाँ से उठाया है, इसको यहाँ पर हमने क्या किया पुट कर दिया रो जी एच डी ए इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो रो जी है ये दोनों क्या है कॉन्स्टेंट पैरामीटर है, इसको हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया। तो अब हमें क्या बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए साइन थीटा। अब यहाँ पर ये डी ए जो साइन थीटा ये एक अलग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको जरा यहाँ पर देखो ये डी ए साइन थीटा किसके बराबर है वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया ऑफ एलिमेंट्री बॉडी का, इसलिए डी ए साइन थीटा रिप्लेस बाय डी ए वी। अब यहाँ पर देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, लेकिन फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंडीशन होता है कि उस केस में बॉडी का जो हाइट है फ्रॉम द फ्री सरफेस और उसका जो प्रोजेक्शन एरिया है दोनों क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कहलाएगा, अगर दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखनी, जैसे अभी हमने क्या लिया यहाँ पर देखो जरा कि ये जो एच है ये एलिमेंट्री बॉडी का फ्री सरफेस से हाइट है, और इसका जो हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हमारा एरिया मिला ना वर्टिकल प्रोजेक्शन में, तो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन में एरिया मिल रहा है तो ये एच और ये प्रोजेक्टेड एरिया इन वर्टिकल डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो मिलेगा अगर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है तो एच डी ए वी ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर देगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या रिप्रेजेंट करती है वो हमारी ए एक्स बार होती है। तो अब हमें क्या मिल गया फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू रो जी इंटू ए एक्स बार, और रो जी को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट किया यहाँ पर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, डब्ल्यू ए एक्स बार या तो इसको वैक्स याद रख सकते हो मोम, इसको वैक्स मीन मोम होता है। तो ताकि हमें फॉर्मूला याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो आसानी हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू वैक्स, ये डब्ल्यू क्या यहाँ पर रो जी के इक्वल है एंड ए क्या है प्रोजेक्शन एरिया है एंड एक्स क्या है एक्स बार यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दी फ्री सरफेस। तो इस नोटेशन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ये क्या हमारा प्रोजेक्टेड एरिया ऑन दी वर्टिकल प्लेन, क्यों ये याद रखना है कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कैलकुलेशन करेंगे ना तो उसका प्रोजेक्शन एरिया वर्टिकल प्लेन में लेंगे, ये बात याद रखनी है। अब ये एक्स क्या है एक्स बार यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दी फ्री सरफेस और डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम दी फ्री सरफेस। अब यहाँ पर एरिया इक्वल टू मैंने बी आर लिखा, बी आर क्यों लिखा अभी मैंने समझाया था कि अब जब इसका हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे इस सिलिंड्रिकल सरफेस का वन फोर्थ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का तो हमें क्या मिलेगा ये इसका रेक्टेंगुलर प्रोजेक्टेड व्यू मिलेगा, तो इसी की वजह से इसका एरिया जो होगा हमारा बी इंटू आर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया एरिया इक्वल टू बी इंटू आर, और एक्स बार यहाँ पर क्या है एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस आर बाय टू। अभी इसको भी समझ लेगा एक्स बार मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम दी फ्री सरफेस, तो ये हमारा क्या ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी है इसके सेंटर में क्या होगा सी जी एग्जिस्ट होगा, एक्स बार हमें हमेशा प्रोजेक्ट से प्रोजेक्टेड एरिया के रिस्पेक्ट में ही निकालना ये अपने दिमाग के अंदर ठूस लो, जैसे भी हो किसी भी कंडीशन में एक्स बार हम तभी निकालेंगे जब तक हम उसका प्रोजेक्टेड एरिया नहीं निकालेंगे, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, हम पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी प्रोजेक्टेड एरिया निकालने की। तो ये हमारे प्रोजेक्टेड एरिया कौन सी शेप की रेक्टेंगल शेप की है इसका यहाँ पर क्या होगा सी जी होल्ड करेगा, और सी जी जब होल्ड करेगा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी आर बाई टू होगी, और ये आर बाई टू यहाँ से यहाँ तक होगी, और यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी क्या माना है एक्स माना है, तो एक्स प्लस आर बाई टू क्या हमें रिप्रेजेंट कर देगा ये हमें एक्स बार को रिप्रेजेंट कर देगा, तो इसी वजह से यहाँ पर ये एक्स बार इक्वल टू एक्स प्लस आर बाई टू रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आ रहा है, अब जरा इस नोट पॉइंट को समझते हैं है क्या चीज़ ये। The horizontal component of force on curved surface is equal to the hydrostatic force on vertical projection area, and this force will be act at the center of pressure of a corresponding area। अब बातें क्या इन्होंने बोला जरा समझते हैं क्या भसड़ किया इन्होंने, इन्होंने भसड़ यही किया है वो ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रही है किसी भी कर्व सरफेस पर तो इक्वल होगा उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के जो वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड एरिया या वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया पर एक्ट हो रही है,
और ये फोर्स जो एक्ट होगी वो उस पॉइंट पर एक्ट होगी जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा उस प्रोजेक्टेड एरिया का, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्डिंग एरिया। या इससे पहले भी हम लोग प्लेन सर्फेस में क्या पढ़े हैं, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट होगी, सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट होगी, ये बातें याद रखनी है। क्लियर है? तो ये इसने थोड़ी सी बसड़ यहाँ पर आगे कर दी है, बस थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लो, कोई खास यहाँ पर ज्यादा ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि हाँ इसको याद नहीं कर सकते या समझ नहीं है। आई थिंक समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो अब तक तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है उसका डेरिवेशन कैसे हुआ, उसका रिलेशन कैसे आया, इसको हमने डेवलप किया और हमारे पास फॉर्मूला मिल गया। लेकिन अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि उसी एलिमेंट्री बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे या उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो हमने क्या माना था, वर्टिकल डायरेक्शन में एलिमेंट्री बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रही हो क्या है डी एफ वी, तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन और डी एफ वी इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर देखो कंपोनेंट में रिलेव किया था डी एफ वी इक्वल टू डी एफ आर कॉस थीटा, इसको अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको यूज किया और इंटीग्रेट कर दिया। अगेन डी एफ आर की वैल्यू हमने क्या कर पुटिंग कर दिया, रो जी एच एंड रो जी एच एंड यहाँ पर डी ए, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये कॉस थीटा सेम यहाँ पर रिपीट हो गया। अगेन रो जी यहाँ पर क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा और डी ए कॉस थीटा फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा डी ए एस को। अब ये डी ए एस कैसे होगा देखो जरा, यहाँ पे ये जब हम इसका एरिया का कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं तो ये हमारा क्या है डी ए साइन थीटा और ये क्या है डी ए कॉस थीटा, ये किसके इक्वल है डी ए एस के, जो हमने माना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ एलिमेंट्री बॉडी। यहाँ पर डी ए एच आ गया। अब यहाँ पर रो जी इन टू इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एच, अब ये रो जी इक्वल टू क्या हो गया, रो जी इन टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी या वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री बॉडी। अब यहाँ पर क्या है, ये एच हाइट है और डी एच क्या एरिया है, तो कभी भी हम लोग एरिया को उसके परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है वॉल्यूम मिलता है। लेकिन यहाँ पर डाउट ये आनी चाहिए कि अभी मैंने इंटीग्रेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बताया है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए वी इक्वल टू फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, तो यहाँ पर भी तो वही आनी चाहिए कंडीशन ना, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एच इक्वल टू फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया होनी चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री बॉडी मीन्स डी वी, यहाँ पर हमने वो क्यों नहीं लिया। तो मैंने एक वर्ड बोला था उस टाइम में कि हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालने के लिए उस केस में एरिया ऑफ एलिमेंट्री बॉडी और जो उसकी हाइट है दोनों आपस में क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये समझते हैं कैसे, ये हमारा क्या एरिया है प्रोजेक्टेड व्यू इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये जो हाइट है यहाँ पर ये क्या इसके परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल बनाकर जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर ये किसके एरिया रिलेशन को होल्ड करेगा, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर देगा। कि कभी भी हम लोग किसी भी एरिया को उसके परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या रहती है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डी वी रिप्रेजेंट किया। अब जब यहाँ पर डी वी का इंटीग्रेशन करता हमें क्या मिल जाएगा वी मिल जाएगा, तो रो जी वी और ये किसके इक्वल होगा एम जी के इक्वल होगा। अब ये रो जी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको एम जी वी लिख सकते हैं, और मास दिया गया उस बॉडी का और ये हमें जी दिया गया है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। या ये देख लो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, ये जी सेम आ गया इसलिए इसके इक्वल हो जाएगा। या इसी फॉर्मूला को हम लोग और दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है रो जी वी के इक्वल तो है, ये हमने ड्राइव किया ये एम जी के। लेकिन अगर ये ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया, अगर फ्लूइड की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया गया, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फ्लूइड की वेट को कैलकुलेट कर लेंगे, वेट ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पर वेट ऑफ द फ्लूइड कैलकुलेट कैसे करने की, जैसे अगर हमें उसकी डेंसिटी पता है फ्लूइड की और हमें जी तो पता ही है और कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया, अगर हमें ये पता है तो हम वहां पर क्या कर देंगे फ्लूइड की वेट को निकालेंगे, तो वो भी हमारे क्या रिप्रेजेंट कर देगी वर्टिकल फोर्स। अब ये जो फोर्स है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने यहाँ पर लिखा ये रियल भी हो सकती है ये इमेजिनरी भी हो सकती है। अब ये रियल एंड इमेजिनरी क्यों होगी, इसको अभी हम लोग आगे फर्दर केस स्टडी करने वाले हैं, वहां पर समझ में आएंगे, वहां पर जब ग्राफ में प्लॉट करूंगा तब वहां पर क्लियर होगी बात है कब रियल बनेंगे और कब इमेजिनरी बनेंगे, अभी जब तक ये इसको पेंडिंग रखो।
अब इसको कुछ और फॉर्मूला और ड्राइव करके आ रहा है कि जो वर्टिकल फोर्स होगी वो इक्वल होगी वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेंट बाय द कर्व सरफेस अप टू द फ्री सरफेस। अब यहाँ पर तो मैंने सिंपल बोल दिया कि वेट ऑफ द फ्लूइड के इक्वल होगा किसका, वर्टिकल फोर्स का या फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन वेट ऑफ द फ्लूइड जो लेंगे को कितने फ्लूइड का लेंगे, कोई 5 ग्राम 10 ग्राम कितना लेंगे वेट ऑफ द फ्लूइड का, कितना ले सकते हैं। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां तक हमारे फ्री सरफेस है वहां तक उस फ्लूइड का हम लोग क्या करेंगे वेट निकालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये फिगर देखो, ये हमारे फिगर है, हमारे पास तो जो डायग्राम है वो यही है ना, 1/4 फ्लूइड है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे इसी का वॉल्यूम निकालेंगे क्या, ये इसके अंदर जो फ्लूइड होल्ड हो रहा है क्या उसे फ्लूइड वेट निकालेंगे, नहीं, इस कर्व की वजह से यहाँ पर इसको लेकर के फर्दर एक्सीड करना कहाँ तक, अप टू द फ्री सरफेस तक, ये हो गया और ये यहाँ पर ये हो गया और ये यहाँ पर ये वाला, ये पूरा हम लोग क्या करेंगे फ्लूइड का वेट निकालेंगे, या पहले क्या करेंगे इसके अंदर कितना वॉल्यूम होल्ड कर रहा है वॉल्यूम निकालेंगे और रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वेट मिल जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अप टू द फ्री सरफेस क्या करेंगे हम लोग वेट निकालेंगे। तो अब इसको हम लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे, पहले क्या करेंगे 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बन रहा है, एक ये हमारा रेक्टेंगल बॉडी रेक्टेंगुलर बॉडी बन रहा है, इसका भी वॉल्यूम लोग इजीली निकाल सकते हैं, दोनों वॉल्यूम को एड ऑन कर देंगे उसमें रोजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी क्या दे देगी फोर्स इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और हमें हमेशा इसमें याद रखना है कि जब भी हम लोग वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे ऑन कर्व सरफेस और इन प्लेन सरफेस उसके समय हम लोग फ्री सर्विस को मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वही हमारी आंसर को सही कर सकता है वही गलत कर सकता है। अगर हम लोग फ्री सर्विस के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं तो हमारी आंसर गलत होगी, और कर रहे हैं तो हमारी आंसर सही होगी। तो अब यहाँ पर देखो कि जो हमने यहाँ पर लिया ये तो अभी हमने रोजी भी डायरेक्ट कर दिया, अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ये तो हमारा सेम है यहाँ पर, अब ये जो दो पैरामीटर है पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू बी फिर प्लस एक्स आर इंटू बी, ये कहाँ से आ रही है समझ जरा। तो ये हमारी डायग्राम है, तो ये हमारा क्या है, ये 1/4 ऑफ सिलेंडर है, तो 1/4 ऑफ सिलेंडर का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे इसका तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और इसके विड्थ से या लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ये वॉल्यूम मिल जाएगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू बी, क्योंकि हमने यहाँ पर बी को क्या माना है इसकी विड्थ माना है, और ये हमारी क्या है रेक्टेंगल बॉडी है, इसका जो व्यू एक साइड का व्यू देखेंगे क्या रेक्टेंगल शेप का है, अगर इसका हम लोग एरिया निकालेंगे ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एक्स और इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी, तो ये यहाँ से आया, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू बी प्लस एक्स आर बी। अब ये वर्टिकल फोर्स जो है इसके लिए कुछ यहाँ पर नोड पॉइंट भी है, जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स में नोड पॉइंट देते हैं यहाँ पर वर्टिकल फोर्स के लिए भी नोड पॉइंट है। अब ये नोड पॉइंट क्या है इसको हम लोग सीखते हैं, एक्ट एट दी सीजी ऑफ करेस्पॉन्डिंग वेट। तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि ये सीजी पर एक्ट हो रहा है, जबकि अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कैलकुलेशन किए थे उसको क्या देखे थे कि ये प्रोजेक्शन एरिया के सेंटर ऑफ प्रेशर पर एक्ट हो रही है, जबकि वर्टिकल फोर्स क्या हो रही है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट हो रही है, जो हमारे फ्लूइड उसमें क्या हो रही है कि जो इंगल्फ है या कैप्चर किया गया उस कर्व सरफेस के ऊपर अप टू द फ्री सरफेस, तो उसका जो सीजी होगा उस सीजी के ऊपर क्या होगी ये एक्ट होगी, सीजी ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेट मतलब जितना फ्लूइड का वेट उसमें कैप्चर हुआ या होल्ड कर रहा हो उसके सीजी पर एक्ट होगी। दूसरे पॉइंट क्या है कि व्हेन अ कर्व सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, अगर हमारी कर्व सरफेस सर्कुलर आर्क में जैसे अभी हमने जो डेरिवेशन प्रूफ लिया है यहाँ पर प्रूफ किया है तो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में लिया 1/4 ऑफ सिलेंडर को लिया है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग फुल सर्कल ले या वो भी पार्ट ले उस सर्कुलर आर्क का जो रिजल्टिंग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा एक्टिंग ऑन दिस सर्कुलर कर्व सरफेस ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब जरा समझो कि रिजल्टिंग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो हमने अभी क्या देखा था कि जो हमारे रिजल्टेंट फोर्स होगी कर्व सरफेस पर जो एक्ट होगी वो क्या करेंगे FS निकालेंगे और FB निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा FR मिलेगा, ये जो FR है ये एक्ट जो होगी या उस कर्व सरफेस पर जो एक्ट होगी ये कहाँ पर एक्ट होगी, ये जाएगी सेंटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल की जो सेंटर होगी या उस सर्कुलर आर्क की जो सेंटर होगी ये वहां से पास होगी या ये उस पॉइंट पर ये क्या होगी एक्ट होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या पता चला
कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट होती है, वर्टिकल फोर्स सीजी ऑफ द करेस्पॉन्डिंग वेट पर एक्ट होगी, और जो हमारी नेट फोर्स होगी वो सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क से पास होगी या उस पॉइंट पर एक्ट होगी।